1734th एपिसोड ऑफ नागपुर मोस्ट हैपनिंग फेसबुक लाइव शो। और आज की बात शो का नाम एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और टैरो कार्ड रीडिंग की। स्पेशलिस्ट आज हमारे साथ है नंबर 5, द गेम ऑफ नंबर 5 बताने के लिए हमारे साथ हैं नागपुर शहर से इंडियन की जानी मानी न्यूमरोलॉजिस्ट एंड टैरो कार्ड रीडर मिसेस सोनल ठक्कर मैम। मैम नमस्कार। थैंक यू। नमस्कार। ओम श्री गणेशाय नमः। गणेशाय नमः। गणेश जी का नाम लेके कर रहे हो, दिन उनका ही है आज। नंबर 5 बड़ा नंबर है ना मैम, तो 5 नंबर वाले 14 नंबर यू नो 14th जिनकी डेट ऑफ बर्थ है और 23rd है ना। 5 नंबर वाले जातकों के लिए क्या कहेंगी मैम, क्या कहता है नंबर, नंबर किसका प्रतीत है और इस नंबर के लोग की पर्सनालिटी जो है वो कैसी होती है? सबसे पहले तो आपको बताएं क्योंकि आप भी 5 हो। जी मैम बिल्कुल। इसलिए गणपति बप्पा का नाम लेके आपने शुरू किया क्योंकि 5 नंबर बुध का नंबर है और बुद्धि का कारक गणपति बप्पा है। जी बिल्कुल, विघ्नहर्ता तो है ही लेकिन बुद्धि के देवता भी है वो, है ना। 5 नंबर, 14 नंबर, 23 नंबर, यानी 5, 14, 23 जितने भी डेट्स हैं, नंबर्स हैं इनसे रिलेटेड, वो नंबर 5 में आते हैं, 5 को गवर्न करते हैं। जी। 5 नंबर मरकरी, मरकरी अगर देखा जाए तो हम टोटल अगर 1 से 9 तक नंबर्स देख रहे हैं तो 5 नंबर आता है मिडल नंबर। 1 to 4 चार नंबर है, 6 to 9 चार नंबर है, 5 नंबर इज अ मिडल नंबर, मतलब बैलेंसिंग का नंबर है। जी। तो 5 नंबर अपने आप में बहुत बहुत अच्छा नंबर है क्योंकि बैलेंस करता है ये। जी। उसके बाद अगर हम देखें 5 नंबर वाले कैसे होते हैं, मनमौजी होते हैं, अपने मन की करते हैं। जैसे आपने अपने मन की सुनी और ये कार्यक्रम शुरू किया जी, जो आज आपको इतनी ऊंचाइयों पे लेके जा रहा है। कांग्रेट्स। थैंक यू मैम। 5 नंबर में एक मतलब कहा जाए कि उनकी खूबी यही है कि वो अपनी मन के हिसाब से चलने वाले होते हैं, वो किसी के अंडर काम नहीं कर सकते ज्यादा। जी। रेगुलरिटी उनको पसंद नहीं है। बिल्कुल बोर हो जाते हैं बहुत जल्दी। जी। तो अगर 9 to 5 जॉब करना है तो आप 5 नंबर वालों को बिल्कुल मत रखिए क्योंकि वो मालूम है आपका जॉब छोड़ के जाने ही वाले हैं, वो कंटिन्यूटी नहीं रखेंगे। जी मैम। हाँ जी बोलिए। मैम आपने बोला कि ये जो इनके इनके पैर एक जगह जमते हैं। बिल्कुल। और मैम जब हम ये बात कहते हैं तो मैम ये अस्थिरता जो है, हाँ, ये बहुत सारे सवाल लेकर आती है मैम। बिल्कुल। क्या ये अस्थिरता सिर्फ कामकाज तक सीमित है या फिर मैम ये पर्सनल लाइफ में भी इसका एक अलग इम्पैक्ट है, एस्पेक्ट है? 100%। देखो अगर हम 5 नंबर को बैलेंसिंग वाला बोल रहे हैं, ठीक है वो अपने आप को बैलेंस कर रहा है, लेकिन ये ट्रैवल का भी बहुत अच्छा नंबर है। 5 नंबर वाले है ना एक जगह नहीं बैठ सकते, जैसे हमने बोला एक जगह टिक नहीं सकते, उनको घूमना फिरना भी बहुत पसंद आता है। जस्ट लाइक आपका जॉब, आप बैठ के भले ही काम कर रहे हो लेकिन एक जगह बैठ के नहीं कर रहे, अलग अलग जाके अपना काम करना। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, आप अपना प्रोफेशन अगर गलत चूज कर रहे हो तो वो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा बिकॉज स्टेबिलिटी नहीं आएगी। वैसे ही आपकी पर्सनल लाइफ में भी रहता है, आपका पर्सनल लाइफ पार्टनर अगर आपका सही नहीं मिला आपको जी, तो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। वैसे बहुत हद तक देखा जाए तो 5 नंबर वाले के सारे नंबर सपोर्ट करते हैं जी, लेकिन अगर मैं देखूं तो 9 नंबर जो है, 9 नंबर थोड़ा सा उनके लिए सपोर्टिव नहीं है। तो 9 नंबर वालों से थोड़ा बच के रहें या उनसे डिस्टेंस मेंटेन कर लें। 5 नंबर वालों के लिए फेवरेबल नंबर्स कौन से? बिल्कुल। 5 नंबर वालों के लिए 1, 3, 5, 6 ये नंबर्स, 5 तो उनका खुद का भी है तो 5 उनके लिए सपोर्टिव रहेगा ही जी, क्योंकि 5 नंबर सिर्फ 5 का नहीं है, 14 का भी है और 23 का भी है जी, तो उसके साथ वो मैच चले जाता है। आप 4, 8 को थोड़ा कम यूज करें तो ज्यादा अच्छा है, 9 तो थोड़ा सा अवॉइड करें तो बहुत बेटर रहेगा। मैम 5 नंबर वालों की जो पार्टनरशिप है,
क्योंकि अस्थिरता है नेचर में, क्या पार्टनरशिप में, जीवी में बिजनेस कर सकते हैं? देखिए पांच नंबर वालों के लिए सिर्फ अगर मैं बोलूं तो फाइनेंस बिजनेस ही ज्यादा अच्छा है, क्योंकि वहां पर वो किसी के अंडर काम नहीं कर रहे हैं, खुद का काम कर रहे हैं, खुद अपने हिसाब से कर। इनका क्या होता है ना, जैसे मैंने इनका बताया नेचर बोर हो जाना, तो ये लोग है ना अपने बिजनेस में भी कंटिन्यूटी नहीं रख पाएंगे, ये मल्टीपल बिजनेस करने की सोचेंगे, या तो एक बिजनेस छोड़ेंगे दूसरा बिजनेस पकड़ेंगे, तो यहाँ ये इनका वीक पॉइंट हो जाता है। तो इनको एक बिजनेस अगर वो कर रहे हैं तो ठीक है, उसको आप कंटिन्यू रखिए, साइड में दूसरा बिजनेस अगर ज्वाइन कर लेते हैं अपना, उसमें कंबाइन कर लेते हैं तो ठीक है, पर उसको बंद करके दूसरी नई डायरेक्शन में मत चले जाइए। क्योंकि अगर आप एक चीज इतनी मेहनत से बना रहे हो, अगर उसको छोड़ दिया तो आपको अगेन जीरो से शुरू करना पड़ेगा जी। तो इससे बेटर है कि उससे कवर रिलेटेड अगर आप, जैसे ये फन लविंग होते हैं, एंटरटेनमेंट के दीवाने होते हैं ये लोग जी, और ना बोला जाए तो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन भी होते हैं ये लोग जी, तो बेटर है उसी से रिलेटेड बिजनेस करें, उन्हीं से रिलेटेड लाइन चूज करें। जैसे कि जैसे अब जैसे आप नहीं जैसे कि मतलब जहां पर एंटरटेनमेंट में जैसे हम देखें बड़े बड़े स्टार्स बने हैं जी, फिल्म इंडस्ट्री ज्वाइन कर सकते हैं आप ये लोग आजकल क्रिएटिव बहुत होते हैं ना, ये लोग रील बनाने में भी बड़े होशियार होते हैं मतलब आप सोशल मीडिया पे भी काम करते हैं, सोशल मीडिया पे फन लविंग एंटरटेनमेंट का काम है वहां पर ये लोग बहुत अच्छे से कर सकते हैं। बट मैम ये पूरा जो ग्लैमर वाला काम है ये तो शुक्र का है, तो नंबर तो बिल्कुल बुध का है। हाँ तो अगर शुक्र का काम है लेकिन काम क्या है, बुद्धि का है, आपको क्रिएटिव बनाता है कि आप रील कैसे बना रहे हो, किसकी बना रहे हो जी। आप देखिए वही सक्सेसफुल रील्स रहती हैं जिनकी क्रिएटिविटी रहती है, बाकी तो रीलें तो करोड़ों बनती हैं, हजारों बनती है, लाखों बनती है, लेकिन लाइक उनके ही ज्यादा होते हैं जिनमें कुछ फन होता है, एंटरटेनमेंट होता है। मैम नंबर पांच वाले जो होते हैं उनके लिए कौन से कलर्स फेवरेबल होते हैं और कौन से कलर्स से उन्हें दूर भाग जाना चाहिए? देखो जैसे मैंने अवॉइड नंबर नाइन बताया, तो नाइन का नंबर क्या है, लाल जी, लाल नंबर से थोड़ा दूर रहिए। चार और आठ जैसे मैंने बताया, तो इनके कलर्स भी ब्लैक है ना, ये कलर्स डार्क ब्लू, इन कलर्स से भी दूर रहिए। अगर आप देखें तो इनके लिए लाइट शेड्स अच्छे हैं, आपको ब्लैक और रेड तो बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए पांच नंबर वालों को, ये थोड़ा सा आपके लिए प्रॉब्लम कर सकते हैं। लाइट शेड्स ले लीजिए, ग्रीन के शेड्स ले लीजिए, क्योंकि मरकरी का नंबर है, मरकरी इज ए ग्रीन, तो ग्रीन के शेड्स हो गए पिंक, ऑरेंज, आप पर्पल, लाइट जितने भी पेस्टल शेड्स हैं इनके लिए बहुत अच्छे रहेंगे। व्हाइट भी अच्छा रहेगा इनके लिए, नो डाउट, वो भी यूज कर सकते हैं। लाइफ पार्टनर क्या नंबर की होनी चाहिए या क्या नंबर का होना चाहिए? देखो जैसे अगर लाइफ पार्टनर की बात की जाए, तो अगर सिर्फ पांच है या 14 है या 23 है, तो मैंने बोला अवॉइड करना चाहिए नाइन, स्पेशली नाइन को अवॉइड करें जी। उसके साथ अगर फोर और एट भी अगर देखते हैं आप थोड़ा अवॉइड करने का, तो उसको भी कोशिश करिए कि फोर और एट वाले नंबर्स भी उसमें ना, मतलब या तो उनका डेट या टोटल जी, ये उसमें ना आए तो उनके लिए बेनिफिट होगा। क्योंकि कुछ हद तक देखो 23 वाले जो है ना उनको डिप्रेशन भी आता है जी। जैसे अगर मैं फिल्म इंडस्ट्री की ही बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं दीपिका पादुकोण जी, उनको डिप्रेशन आया, वो नंबर पांच है, नंबर पांच है। तो देखिए ये नंबर पांच वालों को ऐसा नहीं है, क्योंकि डिप्रेशन भी आ सकता है जी, तो आपको अपने नेचर को संभालना है। हाँ वो क्या बोलते हैं, बैकअप बहुत अच्छा करते हैं, मतलब जैसे स्प्रिंग होती है ना जी, वैसे अगर वो डिप्रेशन में भी गए हैं लेकिन उसमें से निकल जाते हैं, बाउंस बैक कर देते हैं, वो बहुत अच्छे से निकल जाते हैं जी। तो प्लस माइनस पॉइंट तो सब में रहेंगे, लेकिन अपने प्लस पॉइंट्स को समझो और उसमें से निकालो और उस पे काम करो। मैम पांच नंबर वालों के मैं सवाल पूछूं उससे पहले एक जनरल सवाल आया, बोलो। दिव्या दवे पूछती हैं कि स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए फॉर हाईएस्ट परसेंटेज, तो मुझे ऐसा लगता है कि इसका जवाब तो मैं ही दे सकता हूँ।
दिव्या दवे जी उनको पढ़ाई करना चाहिए लेकिन पढ़ाई के लिए बुद्धि यूज करनी चाहिए और बुद्धि का कारक है पांच, पांच. है तो ना? कैसे करें? यस, तो आप उनका अपने बच्चों की जो जब वो पढ़ाई करते हैं तो उनका फेस आप नॉर्थ की तरफ रखवाइए. ठीक है, फोकस के लिए उनको बहुत अच्छा है बिकॉज उनका कंसंट्रेशन और फोकस ही डिस्टर्ब हो जाता है जी. और उसके साथ अगर मैं बोलूं, अगर आप क्रिस्टल पे बिलीव करते हैं या अपने स्टोन पे बिलीव करते हैं तो कुछ लोग मान लेते हैं, अगर वो मतलब एफर्ट कर सकते हैं तो मरकरी जी, मरकरी का जो स्टोन है वो है पन्ना एमराल्ड जी, वो पहना सकते हैं आप उनको, या तो चांदी के लॉकेट में या तो सोने के में, चांदी या सोना किसी में भी आप पहना सकते हैं. अगर वो आप नहीं एफर्ट कर सकते हैं तो क्रिस्टल्स आते हैं, क्रिस्टल्स को यूज करके आप अब उनके टेबल पे रख के और उनकी स्टडीज में हेल्प कर सकते हैं. पांच नंबर जो एक आपने बात कही कि ये अस्थिरता, मैं वापस अस्थिरता पे आ रहा हूँ, क्या उनके मैरिज में डिफिकल्टीज होती है, क्या उनके जीवन में संतान प्राप्ति में डिफिकल्टीज आती है? देखिए, सबसे पहले अगर हम बोलते हैं तो पांच नंबर जो है ना वो थोड़ा सा एक अनस्टेबल वाला इसलिए बोलते हैं हम अपने प्रोफेशन में और इसमें, क्योंकि वो बहुत जल्दी रूटीन से बोर हो जाते हैं, रूटीन में कुछ नया चाहिए. और स्पेशली अगर उनकी स्पाउस अवॉइड नंबर की मिल गई है तो वहां तो थोड़ी प्रॉब्लम्स आती ही हैं. अगर 4, 8, 9 नंबर्स कहीं उनके फर्स्ट नंबर यानी डेट या टोटल में आ रहा है तो डिफिकल्टीज आती हैं. देखिए, अब हम बदल नहीं सकते जी, तो जो है हमें उसमें से मतलब कुछ हमारी रेमेडीज निकाल के उस पर काम करना पड़ता है. हमें पता चल गया है कि वो हमारा अवॉइडेबल नंबर है जी, तो हमें अपने आप पे थोड़ा सा कंट्रोल कर लेना चाहिए, कुछ हद तक थोड़ा बैलेंस होके चलेंगे क्योंकि हम बदल नहीं सकते उनकी चीजों को, तो हम अपने आप को थोड़ा सा बैलेंस कर लें. ठीक है मैम, इसके बाद पहले मैं पांच नंबर वालों के लिए और पूछूं. हमारे पास सारा मैकलेन है, हाँ जी, मैकेलिन है, ओके. जो अपना डेट ऑफ बर्थ बता रही हैं, आयरलैंड से है, और सारा मैकेलिन wants us to speak in English and give out a tarot card reading. Oh. Her question is, when will I meet my life partner? So that's her question. Her date of birth is, it's not 5, so it's 11th of July 1988. Okay, Sarah, you are a stubborn girl, very sensitive. Okay. Very egoistic. That's what the number is saying. Yeah, yeah. Running your time is not good. Okay? Some anxiety issue and some health issue are going on. So be aware. Okay? One minute. So Sarah McKellen, this is for you. The cards which are coming are the first card. Queen of Wands. Sarah, your focus is not proper in one way. Because you are doing very, matlab, aap bahut overthink kar rahe ho. You are overthinking? Yeah, you are overthinker. So, aap kabhi kabhi apne partner ko samajh nahi paate ho, agar aapke saamne bhi aata hai to. So, the partner is coming in front of you, you still... You are not able to understand his emotion or understand him. Probably his expressions or emotions are, clueless for you. Your emotions are very negative. So don't be negative. Sometimes don't overthink. Be practical. She agrees to a part ki yes, overthinking is there. She is overthinking. So be practical. Practical. अपने आप को जितना प्रैक्टिकल रखोगे अपने पार्टनर को बहुत अच्छे से समझ पाओगे. तो या योर पार्टनर इज नियर बाय, मे बी इट्स विद इन अ मंथ यू विल गेट योर पार्टनर. सो बी प्रैक्टिकल, डोंट बी सेंसिटिव. बेस्ट ऑफ लक.
सो सारा मैकेलन प्लीज हैव अ पॉजिटिव अप्रोच, हैव अ वेरी प्रैक्टिकल अप्रोच टुवर्ड्स रिलेशनशिप्स, एंड प्लीज डोंट बी नेगेटिव एंड डोंट जज और ओवरथिंक. यस, दैट्स ऑल अबाउट सारा मैकेलन. हमारा दूसरा जो डेट ऑफ बर्थ आया है वो आया है फरहान सलमान शेख से. उन्होंने नाम भेजा है फिरदौस का. प्लेस है श्रीनगर. और जन्म तारीख है 15/6/1984. तो नंबर 6. अगले हफ्ते हम नंबर 6 पे बात करने वाले हैं. जी, नंबर 6 मतलब शुक्र का नंबर. हाँ, तो ये किनका है? इनका खुद का है? नहीं, ये फिरदौस का है. फिरदौस का, ओके. क्या तो सवाल ये है कि आई एम एज टेम्पररी वर्कर इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, कब परमानेंट जॉब कब मिलेगा? ओके, वैसे आपका लाइफ पार्टनर अगर लाइफ पार्टनर बनने वाला है या है, इट्स अ वेरी लकी फॉर यू. या आपको गवर्नमेंट जॉब, ओ वेरी नाइस. आप ट्राई कर रहे हैं क्या? अगर आप ट्राई कर रहे हैं तो प्लीज वेट करिए, थिंक पॉजिटिव, बिकॉज ये आपको बहुत जल्दी रिजल्ट दे सकता है. एफर्ट अपने बिल्कुल मत छोड़िए. विद इन अ मंथ, यस आई थॉट विद इन अ मंथ यू गेट अ प्रपोजल. सुपर. तो आप विवाह अगर मतलब नौकरी अगर अच्छी मिल जाएगी तो हमें मिठाई जरूर भेजिएगा, है ना फिरदौस. दिव्या दवे आपका कॉन्टेक्ट नंबर पूछनी है तो आप, मैं उन्हें एक प्राइवेट चैट में आपसे निवेदन है कि आप सोनल ठक्कर मैम के पेज को फॉलो करें, शी इज ऑन फेसबुक. मैम आप उनका नंबर, मैम आप बताना चाहती हैं नंबर? या श्योर, 8999 23 8999 23 7331 7331. दैट्स द नंबर ऑफ सोनल ठक्कर मैम. आप मैम से डायरेक्टली भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं फॉर प्राइवेट यू नो टैरो कार्ड रीडिंग, है ना? या मैम तीसरा एक आया है शर्मिला दुसाने. okay. नाम है उनका. उनका वो कहती है उनका डेट ऑफ बर्थ है 17/6/1970. जानना चाहती हैं उनका फ्यूचर. ओके, इन जनरल वे. ओके, एक जनरल प्रेडिक्शन चाहिए था. ओके, 17 यानी आप नंबर 8 है. ठीक है, थोड़ा सा इगोइस्टिक है. आज सब ईगो वाले ही मिल रहे हैं हमें. हाँ, और थोड़ा है ना ट्रस्ट इश्यू भी होंगे उनको. या ओके, इन जनरल वे अगर मैं आपका आगे का लाइफ के बारे में बोलूंगी तो आप अपनी लाइफ में जिस दौर से अभी गुजर रही हैं, टर्निंग पॉइंट आने वाला है. क्या बात, इन वेरी गुड वे, अपलिफ्टमेंट, वेरी नाइस पीरियड. आपका बहुत अच्छा पीरियड आने वाला है. बिल्कुल आप चिंता मत करिए. आप जो सोच रही थी अपने लाइफ में आगे करने के लिए या अपनी फैमिली के लिए, बहुत अच्छा है आगे का टाइम. द सेकेंड कार्ड इज लुखिया. क्या बात. तो मतलब अगर ओवरऑल में देखती हूँ तो भाई आपको पैसा, अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी, अपनी फैमिली के लिए सपोर्ट या जो भी आप चाहती थी, अपलिफ्टमेंट आगे ऑन द वे है. ऑन द वे. तो शर्मिला जी, आपका फ्यूचर बढ़िया है. अगर आपका कभी कोई सवाल हो तो हमें जरूर बताइएगा और ये शो देखते रहिएगा. रश्मि शर्मा हमें देख रही हैं. उनका उम्मीदा कोटो को पुनीत शर्मा सी, अरे ये गड़बड़ है. मैम थोड़ा सा सवाल समझ में नहीं आ रहा है मेरे को उनका. तो मैं 5 तारीख वाले पे यू नो. अच्छा चलिए, ईशा संतोषवार हमें देख रही हैं. ओके, उनका डेट ऑफ बर्थ है 4/6/1983. फ्यूचर प्रेडिक्शन अ वेरी जनरल वन. ओके, ईशा अगर आप वैसे आप बहुत पर्टिकुलर हैं अपनी चीजों को लेके, चीजें समय पे करना, वेरी पंचुअल, और अगर ये क्वालिटी आप में नहीं है तो प्लीज ऐसा बन जाइएगा. बिकॉज यही आपका वीक पॉइंट भी हो सकता है कि फोकस ना हो. और अगर आप फोकस्ड हैं तो वेरी गुड. आपके लिए जॉब्स करना ही ज्यादा अच्छा है. जनरल वे में बताऊंगी मैं आपको ये चीज, क्योंकि लास्ट हमारा 4 नंबर हुआ है तो आप चेक कर लीजिएगा. जी राइट. ईशा, ईशा आप अपनी लाइफ में पैसा बहुत कमाना चाहती हैं मुझे ऐसा लगता है. क्या बात, मेहनत कश. मेहनत, आपको मेहनत
करते रहना है, एफर्ट लेते रहना है, डोंट बी लेजी. जितनी एफर्ट लेंगे उतना ज्यादा आप गेन करेंगे. क्या बात, राइट. और आगे बहुत अच्छा प्रपोजल, न्यू बिगनिंग, नया अचीवमेंट आपके लाइन में दिख रहा है मुझे. सो बेस्ट ऑफ लक. सुपर मैम. एक और आ रहा है, गीतांजलि शर्मा नाम है उनका. बड़ी सीरियस, बड़ा सीरियस सीरियस दो तीन बार लिख दिया उन्होंने, मेरा काम नहीं चल रहा है, प्लीज बताइए. उनका डेट ऑफ बर्थ है 25th January 1988. गीतांजलि देखिए आप है ना, मैं आपको अगर एक बात बोलूं तो आप ऑलरेडी 25th हैं. 25th इक्वल टू 7. 7 इज अ वेरी लकी नंबर हम बोलते हैं. लेकिन प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, यू आर वेरी सेंसिटिव. लोगों पे ट्रस्ट थोड़ा कम करिए. इमोशनली ट्रस्ट करने की जरूरत नहीं है. वेरी प्रैक्टिकल. ओवर थिंकिंग, ड्यूअल माइंडेड में आपके लॉसेस होते हैं बिकॉज आप अपने डिसीजंस खुद ले नहीं पाती हैं, श्योरिटी नहीं हो पाती है और कंफ्यूज माइंड आप गलत चीजें कर लेती होंगी. उसी की वजह से आपको लॉस होता होगा. लेकिन ये साल अगर मैं देखूं तो ये साल आपको जाते जाते बहुत कुछ दे के जाएगा. इन न्यूमरोलॉजी मैं आपको ये चीजें बता रही हूँ जी. ओके. इनका नाम क्या था मैम? इनका नाम है गीतांजलि. गीतांजलि, गीतांजलि शर्मा. गीतांजलि, यस. गीतांजलि आपके लिए भी देखिए ये कार्ड आया है और इसके साथ ये कार्ड आया है जो मैंने आपको बोला जस्ट नाउ. मैंने विदाउट एनी आपके कार्ड मैंने जो चीज बोली है, आपकी लाइफ में नया चैप्टर शुरू होने वाला है. जो आपको एफर्ट कंटिन्यू करते रहिए, आप लकी हैं. आपका पॉइंट, आपका जो टाइम है वो टर्न होने वाला है, पैसा मिलने वाला है. मैम गीतांजलि शर्मा जो हैं, अगर थोड़ा सा उनके बारे में अगर बात करें, मतलब उनकी तारीख के बारे में बात करें, तो उनकी तारीख इफ आई एम नॉट रॉन्ग 7 नंबर आती है. यस, है ना गीतांजलि शर्मा. नहीं, हाँ 25 तारीख है तो 7 नंबर आता है. 25/1/1988 है ना. देखिए आप इसमें, मैं पता है आप क्या कहना चाहते हैं, इसमें 5 आता है. हाँ हाँ, टोटल आ रहा है. नहीं, इसका, इसके नंबर में 5 आ रहा है जी. तो कहीं ना कहीं ये उसी वजह से परेशान होंगी कि ये मल्टीपल चीजें साथ में करने की सोच रही होंगी जी. फोकस नहीं रह पा रहा होगा एक चीज में जी. स्टेबल नहीं कर पा रही होंगी, इसीलिए अनस्टेबिलिटी का प्रॉब्लम आता है. नहीं लेकिन क्योंकि यू नो एक काम नहीं चल रहा, उस पर उसका इंतजार करते करते कि इसी काम में प्रगति हो, क्या नई शुरुआत, ये जो अब दिख रहा है कार्ड में, दूसरा वाला कार्ड बोल रहा है कि नई शुरुआत होगी, तो ये नई शुरुआत अगर ये कर लें तो क्या इन्हें सक्सेस मिलेगी उसमें? बिकॉज ये इसी में ही लिखा है देखिए कार्ड में. अगर आप इस कार्ड को गौर से देखेंगे तो हॉर्स में, हाँ जी, दो हॉर्स के फेस दिख रहे हैं आपको जी. राइट जी. मतलब पास्ट को छोड़िए, प्रेजेंट को एक्सेप्ट कीजिए, फ्यूचर को प्लान कीजिए और आगे बढ़िए. सुपर. चलिए मैम अगला एक नाम है कविता चिल्हाते. ओके. वो अपने हस्बैंड के बारे में जानना चाहती है. okay. और नंबर 5 है उनके हस्बैंड. वेरी गुड. 5/8/1987. ओके. है ना. सो मैम थोड़ा सा अगर टोटल कर लें उसका, 5/8/1987 तो 5 और 8 होते हैं 13, 13 × 14 और 9 हो गए 23, 23 और 7 हो गए 30, 30 × 38 दो नंबर. यस, देखिए टोटल 2 आ रहा है लेकिन अगर मेन नंबर देखें तो नंबर 5 है. क्या कहते हैं मैम गेम का नंबर क्या कहता है? 5 नंबर अगर देखा जाए तो जैसे मैंने 5 नंबर की क्वालिटीज बताई, बहुत फन लविंग होंगे, लोगों के बीच में सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहते होंगे, काफी सारी चीजें उनकी होंगी. लेकिन लाइफ में डिसीजन मेकिंग थोड़ा सा वीक होगा. भले ही 5 नंबर है बिकॉज उनका टोटल 2 पे आ रहा है. तो क्या होता है ना, ड्यूअल माइंड चलता है जी, है ना. अच्छा, ये ट्रैवल बहुत पसंद करते होंगे. लेकिन अगर हम पूरी डेट ऑफ बर्थ में देखते हैं तो 8 भी इनके पास है, 7 भी इनके पास है. आपकी लव मैरिज हुई है या नहीं हुई है मैं नहीं जानती, मैं गलत तो नहीं बोलूंगी, लेकिन अभी शादी होने के बाद पिछला भूल जाइएगा. मैं आपको कुछ अगर ऐसा बताऊं तो प्लीज उस बारे में ज्यादा मत सोचिएगा.
या तो हो सकता है आप लोगों की लव मैरिज हुई हो, क्योंकि कहीं ना कहीं इन लोगों के रिलेशंस दिखाता है. तो मे बी वी नेवर नो, पर ये स्टेबिलिटी, मतलब स्टेबिलिटी इनकी लाइफ में थोड़ी सी कम आती है. एक्चुअली सवाल उनका वही है, उनका सवाल है कि वो जॉब स्विच करेंगे या फिर एक नया जॉब में मिलेगा. नहीं, वो एक जॉब में नहीं रह सकते. अच्छा, शादी उनकी अरेंज हुई है. ओके, ठीक है. हुआ होगा शायद, हो सकता है कि कहीं ना कहीं पहले हो, बट प्रेजेंट इज मतलब एक्सेप्टेबल. हम पास्ट को भूल जाते हैं, कभी भी पास्ट को याद नहीं रखना चाहिए. अगर मैं देखूं तो वो कभी भी एक जॉब में नहीं रह पाएंगे. बिकॉज बिजनेस कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं. अगर फाइनेंस रिलेटेड कोई चीज है उसमें वो बहुत अच्छे से कर सकते हैं. तो अगर जैसे अगर जॉब स्विच करना ही है और अगर इंश्योरेंस में, म्यूचुअल फंड में, इस किस्म के प्रोफेशन में अगर वो जाते हैं, बैंकिंग, अगर एमबीए फाइनेंस किया है उन्होंने और अगर उसकी जॉब कर रहे हैं, तो बट नेचुरल वो आगे ही बढ़ने का सोचेंगे. तो वो उनके लिए मैं कहूंगी कि बहुत अच्छा रहेगा. और आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा उनकी हेल्थ का, बिकॉज हो सकता है उनके थोड़े से सेंसिटिवनेस होंगी उनके इसमें, तो चीजें उनके लिए थोड़ी सी ठीक नहीं है. देखिए, जैसे मैंने बोला इनके लिए ये कार्ड निकला है, तो आप थोड़ा सा मैं ये बोलूंगी कि बी अवेयर ऑफ योर हेल्थ, हेल्थ को थोड़ा ध्यान रखिए, क्योंकि खान पान को लेकर ध्यान दीजिए, खान पान, और अगर आपकी अनबन होती है तो थोड़ा उसमें भी ध्यान रखिएगा, अवॉइड कीजिए, अवॉइड कीजिएगा. जैसे मैंने पहले ही फाइव नंबर वालों के लिए बताया था, वो फ्रीडम लवर है जी. आप उनको बांध के नहीं रख सकते जी. तो अगर आप उनको ये करेंगे कि नहीं आप मेरी बात सुनिए और मेरे साथ यहाँ चलिए वहाँ चलिए जी, वो हर चीज एक्सेप्टेबल नहीं होती है उनको. भले ही वो मेरी वाइफ ही भी शो देख रही है, क्या बात है, बहुत बढ़िया. तो वो मतलब ऐसा है कि वो उनको थोड़ा सा फ्रीडम देना चाहिए अपने हिसाब से करने के लिए जी. हाँ, बहुत ज्यादा भी नहीं देना चाहिए, नहीं तो बिगड़ सकते हैं. ठीक है. तो इसीलिए थोड़ा सा उनको आप फ्रीडम दीजिए, बहुत बांध के मत रखिए, और हेल्थ का ध्यान रखिए, बिकॉज सेंसिटिव है. ओवर थिंकिंग थोड़ा ज्यादा चल रहा है, बैकफायर भी होने के चांसेस मुझे यहाँ दिखते हैं, तो बी अवेयर. तो कविता चिलाते जी, ये हुआ आपका टैरो कार्ड रीडिंग. हम आखिरी एक यू नो एक रीडिंग लेंगे. आरती अग्रवाल, 26/4/2003 भिवानी, 9:35 पर, मुझे कौन सी जॉब में जाना चाहिए मैम, प्लीज बताइए. आरती अग्रवाल पूछ रही है आपसे. आपने क्या एजुकेशन लिया है वो तो नहीं मालूम मुझे. और अगर बिकॉज ऑफ 8 है तो आप जरूरी पैसों के पीछे भागने वाली लड़की हैं. क्योंकि 8 लोग मटेरियलिस्टिक होते हैं, ये लोग इन लोगों के लिए पैसा बहुत अहमियत रखता है जी, राइट. लेकिन मिलता बड़ा मुश्किल से है. ये भी एक प्रॉब्लम है जी. 26 थोड़ा सा डिसीजन मेकिंग कम है आपका, है ना. तो अगर आप मनी से रिलेटेड अगर कोई फील्ड चूज करते हैं, जैसे अगर हो गया बैंक, हो गया कॉमर्स लाइन लेके, अगर आप उसमें आगे बढ़ते हैं जी, तो आपके लिए अच्छा रहेगा. लेकिन अपने डिसीजंस को थोड़ा सा मैं बोलूंगी कॉन्फिडेंटली लीजिएगा. थोड़ा आपका भी प्रॉब्लम है सेंसिटिवनेस का और ड्यूअल माइंड का, तो डिसीजन मेकिंग में थोड़ी प्रॉब्लम होती है आपको. तो मेरे हिसाब से आपके लिए वो चीजें, हाँ, आप देखिए, आपके पास हो सकता है मौके आए होंगे, लेकिन आपका ध्यान नहीं गया होगा अपनी लाइफ को सेटल करने का जी. यहाँ पर थोड़ा सा मुझे दिखता है आपके उस लिए, सीए कर रही है वो, सीए कर रही है बिकॉज ऑफ 2 जी. क्योंकि पहला उनका 26 में फर्स्ट इज 2, सीए मतलब फाइनेंस, है ना, यानी मनी का जी. तो बिल्कुल वो बहुत अच्छा है आपके लिए. मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको पॉज लेने के लिए बोलूंगी अपनी लाइफ में. पॉज इन द सेंस कि अपने स्ट्रेस को मत बढ़ने दीजिए. अपने रूटीन में बहुत ज्यादा हेक्टिक और इन सब चीजों से खुद को थोड़ा सा रिलैक्स करवाइए जी. थोड़ा घूम फिर कर आइए, थोड़ा फ्रेश हो जाइए और फिर काम पे लगिए. देखिए, डबल फोर्सली आप चीजें कर पाएंगे. मैम एक आखिरी ले लेते हैं,
हरसीरत अमरजीत लिख रहे हैं हरसीरत कौर के लिए डेट ऑफ बर्थ है 16th April 2014 और दोपहर को 12 बजे उन्होंने सवाल लिखा नहीं, आई थिंक एक जनरल पिटिशन चाहिए। ओके अगेन आप 7 हैं, देखिए अगर 16th ऑफ अप्रैल है तो आप 7 हैं। वैसे तो अगर मैं देखूं तो आपको कोई प्रॉब्लम इतनी ज्यादा नहीं आएगी बिकॉज आपके पास वो नंबर है, अगर आप जो चाहते होंगे जी आपको मिल जाता होगा देर सवेर जी, है ना। लेकिन एक चीज है, अपने पास्ट को छोड़िए, प्रेजेंट को देखिए और फ्यूचर पे काम कीजिए। हम पास्ट की गलतियों से सीखते नहीं है और उन्हीं को याद कर करके प्रेजेंट को ठीक नहीं कर पाते हैं जी। तो जो हो गया वो हो गया, अगर कुछ तकलीफें आई थी, किसी ने ट्रस्ट इश्यूज से परेशान किया था या कोई पैसा नहीं दे रहा है जी, उसको रोने से अच्छा है आज हम उससे ज्यादा पैसा कैसा कमा सकते हैं, क्योंकि आप में पोटेंशियल बहुत है जी। बट अपने पास्ट को थोड़ा भूल नहीं पाना आपके लिए प्रॉब्लम है, तो उसको छोड़िए आगे बढ़िए, लाइफ बहुत अच्छी है। मैम लाइफ में मैरिज और ये सब चीजों में कोई दुविधा कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी इनके लिए जी? नहीं, 7 नंबर नहीं नहीं बिकॉज 7 नंबर है ना, लोग या तो ये बहुत जल्दी विश्वास कर लेंगे और या तो ठोक पीट के लोगों को पसंद करेंगे। तो मेरे हिसाब से है ना, जितना ज्यादा चूजी होने में आप जाओगे ना, अपने पार्टनर को पहचान नहीं पाओगे। तो बेटर है कि थोड़ा सा मतलब हम बोलते हैं ना लीन इन हो जाइए, जहां पर आप सिर्फ ये देखिए कि पार्टनर मेरे लिए कैसा है, बहुत ज्यादा डीप में उसकी इंक्वायरी करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हर किसी का पास्ट होता है जी। तो जैसे हमें अपने पास्ट को भूलना है, सामने वाले को भी भूलना है, है ना। मैम सुपर, मुझे ऐसा लगता है कि आज बहुत सारे लोगों की हमने रीडिंग कर दी, अब अगले हफ्ते फिर कुछ लोगों की हम रीडिंग करेंगे। मैम 5 नंबर वालों के लिए, क्योंकि आज यू नो जो गेम का जो नंबर था, नंबर का जो एक गेम था वो 5 नंबर वालों के लिए था। मैम क्या है प्रिडिक्शन नंबर 5 वालों के लिए? ओके देखिए, मैं खुद बड़ा उत्साहित हूँ क्योंकि मैं खुद नंबर 5 हूँ। यस 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 यस, नंबर 5 के लिए हे भगवान अच्छा कार्ड निकालना। नंबर 5 के लिए मिला जुला जिसको हम बोलते हैं ना जी, पहला कार्ड तो थोड़ा ठीक नहीं आया, मतलब सर्कमटेंस 5 वालों के लिए अभी तक थोड़े ठीक नहीं थे। हासिल बहुत किया लेकिन सेटिस्फेक्शन नहीं है जी, है ना जी। अभी भी मायूसी है, अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें, एंजाइटी इश्यूज आ रहे हैं। बट आगे बहुत अच्छा है, बहुत कुछ है आपके पास जो आप हासिल कर सकते हो, तो अपने आप को बैलेंस करो, अपने आप पे काम करो, अपने थॉट्स पे काम करिए, क्योंकि आगे फ्यूचर बहुत ब्राइट है। क्या बात है, द सन देखिए मेरा फेवरेट कार्ड है जो मेरे पीछे हमेशा जी, रहता है जी। तो बस अपने पास्ट को भूलिए, उसमें से सीखिए, अपने आप को बैलेंस कीजिए, अपने आप पे थोड़ा काम कीजिए और आगे बढ़िए। सुपर, नंबर 5 वालों के लिए खुशखबर कि थोड़ा यू नो पुराने वक्त को भूलना होगा और नए वक्त के साथ एक नई सुबह आपका इंतजार कर रही है। मैम 5 नंबर वालों के लिए आज इतना ही, अगले हफ्ते नंबर 6 पे हम बात करेंगे, नंबर 6, नंबर 24 और नंबर 15। यस, बिकॉज ये तीनों ही आते हैं नंबर 6 पे और इनका टोटल 6 आता है, तो उनके बारे में अगले हफ्ते बात होगी। आपने अपना वक्त दिया, आपने हमारे लिए फ्री टैरो रीडिंग करी, उसके लिए बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू सो मच। सुपर, सोनल ठक्कर मैम से मुलाकात हुई, बात हुई इन दिस एक्सक्लूसिव एपिसोड ऑफ राज की बात। एक बात जो आपको भी बड़ी पसंद आई होगी वो है कि भाई साहब नंबर 5 वालों के लिए जो प्रेडिक्शन भी आया वो भी बहुत अच्छा आया कि पुराने वक्त में भले ही आप बहुत स्ट्रगल कर रहे होंगे, बड़ा यू नो ऐसा टाइम आया होगा जिसमें आपने वाकई में बहुत कुछ ऐसा देखा होगा जिससे आपकी मायूसी अब तक जा नहीं रही है, लेकिन जो नया कार्ड आया निकल कर आया है वो द सन निकल कर आया है, जो अपने आप में कहता है कि अब नई सुबह आने वाली है और आप आसमान छूने वाले हैं। जिनके प्रेडिक्शन हम आज नहीं पढ़ पाए कृपया हमें माफ करें, अगले हफ्ते हम फिर आपसे शनिवार के दिन 12 बजे यही मुलाकात करेंगे और आपके साथ शो करेंगे राज की बात। नंबर 6 के जातकों कृपया तैयार रहो, अपना
फ्यूचर जानने के लिए और फ्री टैरो रीडिंग के लिए भी आप अगले हफ्ते इस शो पर आ सकते हैं। जिंदा रहें, जय हिंद।